मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य हमारा दफन ही ये आगामी बसंत स्वागत के लिए वपन बपन बपन यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। हमारा दफन ही है आगामी बसंत स्वागत के लिए वपन 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 यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। एक कविता के रूप में आचार्य भगवान आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि माटी को कुमार ने आकार दे दिया है और आकार देने के बाद में माटी अभी गीली है, जब तक वह गीली रहेगी तब तक उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं आएगी। जो जल माटी को बाहर ले जाता है लेकिन वही माटी जब तपन को सहन कर लेती है तो उसी जल को बांध कर रखने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। जो मन हमें संसार में रुला देता है, वहाँ के महासागर में डाल देता है, उसी मन को आज बंधन का दिन है, पता है? यदि उसी मन को बांध लेते हैं तो वही मन हमें मोक्ष तक की ऊंचाइयों को छूने में मदद कर देता है। संसार के जितने भी सुख हैं वो सुखाभास हैं, केवल मात्र थोड़ी देर सुहावने लगते हैं और उसके बाद भी न जाने कहां पर उनका अस्तित्व खो जाता है। माता पिता की हिदायतें हमको बंधन लगती है लेकिन वो बंधन है नहीं, वो वास्तव में हमारे लिए संसार का या जो भीतर का जो क्रंदन है उस क्रंदन को मिटाने का एक माध्यम है। मूक माटी। मूक माटी व्याख्याकार तरुणाई के प्रखर वक्ता आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।